खबर है कि जंग की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, और इस बात की जानकारी खुद ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने दी है, जिनके मुताबिक ज़ेलेंस्की की जान को रूसी सेना से लगातार खतरा बना हुआ है। ओलेना ज़ेलेंस्का का कहना है कि जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की रात में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार वो अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। खबर है कि ज़ेलेंस्की की तरह उनके परिवार की भी जान खतरे में है, इसलिए ज़ेलेंस्की की पत्नी और उनके बच्चे यूक्रेन में किसी खुफिया जगह पर छिपे हुए हैं। उधर यूक्रेन में खार्कीव के पास 2 रूसी सैनिकों की जहरीली ब्रेड खाने के बाद मौत हो गई। यूक्रेन की एक खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि शहर के नाराज लोगों ने रूसी फौजियों को खाने के लिए ब्रेड दिए थे जिसमें जहर था, और जैसे ही पुतिन के सैनिकों ने ब्रेड खाया उनमें कुछ की तबीयत बिगड़ गई। दावा किया गया कि 2 सैनिकों की तो तुरंत मौत भी हो गई, जबकि 28 जवान आईसीयू में पहुंच गए। कहा जा रहा है कि लोगों ने रूसी फौजियों को खाने में तोहफे के तौर पर ब्रेड और शराब दिए थे जिनमें जहर था, क्योंकि शहर के लोग रूस के हमले से गुस्से में थे और बदला लेने के मकसद से ही उन्होंने जहर मिले ब्रेड दिए और साथ ही जहरीली शराब भी दी, जिसके बाद शराब पीने से सैकड़ों रूसी सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनमें 2 जवानों की मौत भी हो गई, जबकि 500 जवानों की हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।